सीजे चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब और खतरे में पड़ गई बीजेपी और शिंदे की सरकार। सीबीआई ने बीजेपी स्पीकर को नोटिस भेजकर मंगवाए कागजात। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ विभिन्न अहम मामलों में सुनाए गए अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। सीजीआई अनुशासन को भी काफी पसंद करते हैं और जब कोई उसे तोड़ता है तो खासा नाराज भी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कई सुनवाइयों के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ को गुस्से में आते हुए लोगों ने देखा है। शुक्रवार को सीजीआई ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से उद्धव ठाकरे की याचिका से जुड़े मूल दस्तावेज मांगे हैं। सीजीआई ने उद्धव ठाकरे समूह की तरफ से असली शिवसेना के फैसले को चुनौती देने पर सुनवाई की। इसमें सीजीआई ने कहा कि स्पीकर कोर्ट को मूल दस्तावेज दे। विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को एक आदेश में जून 2022 में विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना घोषित किया था। उन्होंने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी ठाकरे गुट की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं क्या सीजीआई चंद्रचूड़ एक न्यायप्रिय जज है? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 8 अप्रैल को अगली सुनवाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शिंदे गुट द्वारा ठाकरे खेमे पर रिकॉर्ड में जालसाजी किए जाने के आरोप लगाने के बाद मूल दस्तावेज मांगे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने पहले ठाकरे समूह की याचिका पर नोटिस जारी किया था। सीजीआई ने शिंदे और उनके विधायकों को 1 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा और याचिका को 8 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने कहा कि वह याचिका की विचारणीयता के मुद्दे को खुला रख रही है। ठाकरे ने फैसले को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की एक याचिका पर 22 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और कुछ अन्य विधायकों से जवाब मांगा था। ठाकरे गुट ने विधायक सुनील प्रभु के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली है और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा था कि जून 2022 में जब पार्टी विभाजित हुई तो शिंदे समूह को शिवसेना के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन प्राप्त था। महाराष्ट्र विधानसभा ने सीएम एकनाथ शिंदे समेत अन्य 15 विधायकों में किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं किया था।